आगे कहते हैं अष्टावक्र जी, जैसे दर्पण में दिखने वाले रूप में बाहर और भीतर एकमात्र दर्पण ही होता है, ठीक वैसे ही इस शरीर के संबंध में भी है। इसके बाहर भीतर भी एकमात्र परमेश्वर ही है। उसको परमेश्वर भी कह सकते हैं, परमात्मा भी कह सकते हैं। ये दो अलग अलग वर्ड है ना, परमेश्वर और परमात्मा, ये दो अलग अलग स्टैंड पॉइंट्स हैं, दो अलग अलग चीज़ें नहीं हैं, दो अलग अलग रियलिटीज नहीं हैं। अपने स्टैंड पॉइंट से देखोगे, आत्मा का मतलब होता है मैं, मैं मतलब के कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस के स्टैंड पॉइंट से देखोगे तो वो परमात्मा है। और अगर ये जो क्रिएशन है इसके सोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो वो परमेश्वर है, और दोनों एक ही है। जैसे आपको अगर आपके फादर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाएगा तो आप बेटा हो या बेटी हो, और अगर आपको अपने बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाएगा तो आप माँ हो या बाप हो, तो आप क्या हो एक्चुअल में? ना माँ बाप हो ना बेटा बेटी हो, आप एक इंसान हो। जैसे दर्पण में दिखने वाले रूप में बाहर और भीतर एकमात्र दर्पण ही होता है। कभी आराम से खड़े होकर के शीशे के सामने देखना कि शीशे में क्या दिख रहा है, ये सब रियल मेडिटेशन है। नहीं तो जो लोग मेडिटेशन समझते हैं वो मेडिटेशन नहीं है, दैट इज़ मोर लाइक टॉर्चर। मेडिटेशन मस्ट बी आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, नॉट आउट ऑफ कंपल्शन, कि आपको ये करना पड़ रहा है, मुझे पसंद नहीं है लेकिन करना पड़ रहा है। क्या है वो, मैकेनिकल हो जाओगे। यही तो लोगों के साथ हो रहा है यहाँ पर इस दुनिया में, हो क्या रहा है? पढ़ना पसंद नहीं है लेकिन पढ़ना पड़ रहा है, तो दैट बिकम्स मैकेनिकल। आपको क्या करना है, शीशे के सामने आराम से खड़े हो जाओ और देखो शीशे के अंदर क्या दिख रहा है। अगर थोड़ी देर तक आप खड़े रहोगे तो वो सब आपको रियल लगने लग जाएगा। वहाँ पर स्पेस है, वहाँ पर चीज़ें हैं, वहाँ पर लोग हैं, दो चीज़ों के बीच में डिस्टेंस भी है, रंग है, रूप है, चीज़ें हिल रही हैं, आ रही हैं, जा रही हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में वहाँ पर क्या है? सिर्फ शीशा है और कुछ भी नहीं है, सिर्फ दर्पण है। ठीक वैसे ही इस शरीर के संबंध में भी है, ये बॉडी भी एक मिरर के जैसी है, लेकिन थॉट के लेवल पे इतनी उधेड़बुन होती है, आप कह सकते हैं कि वो मिरर गंदा हो गया है, उसके ऊपर पूरी धूल जमी पड़ी है, तो कुछ भी ढंग से दिखता नहीं है। लोगों का जो माइंड है वो क्लटर्ड है, अंदर ही अंदर रेस्टलेस है, तो वो इस बात को समझ ही नहीं सकते कि उनकी जो बॉडी है वो मिरर के जैसी है। तो पहले एक मिरर है जिसमें कुछ दिख रहा है, जिसमें दुनिया दिख रही है, वो मिरर और उसमें दिखती हुई दुनिया और उस मिरर के अलावा भी जो भी हम दुनिया देख रहे हैं वो सब कहाँ देख रहे हैं? अल्टीमेटली अपनी ब्रेन के अंदर देख रहे हैं, जो एक मिरर के जैसा है। वो ब्रेन कहाँ है? यानी कि जो भी इसको जान रहा है, दिखने का मतलब जानना, ये हमेशा याद रखना। जब भी मैं दिखना वर्ड यूज करता हूँ, दिखना मतलब सिर्फ आंखों से देखना नहीं, जानना। आप कहाँ जान रहे हो कि बाहर मिरर है? अपनी ब्रेन के अंदर। ब्रेन में थॉट्स आते हैं जाते हैं, चाहे मेमोरी से आए, चाहे आंखों के थ्रू कुछ दिखे, कुछ इंप्रेशंस दिखे, ये कहां जान रहे हो? वही कॉन्शियसनेस है, वही अवेयरनेस है। अल्टीमेटली अगर आप सिंपल वे में देखोगे तो इस ब्रेन में जो भी कुछ दिख रहा है, जब दिखता है तो भी आपको पता होता है, नहीं दिखता है तब भी आपको पता होता है, तब भी आप होते हो, तब भी आप जान रहे होते हो, आप अपने थॉट्स के ना होने को भी जानते हो। ये बहुत डीप है, यहाँ तक कोई जाता नहीं है नॉर्मली। मतलब अपनी गहरी नींद का जो आपका एक्सपीरियंस है वो कोई इल्यूजन नहीं है, वो कोई बिलीफ नहीं है, वो कोई आकर के आपको नहीं बता रहा है कि गहरी नींद में कोई थॉट्स नहीं थे, सपना नहीं था, वो आपका एक्सपीरियंस है। कैसे है एक्सपीरियंस? उस मिरर पर कुछ नहीं था, ये क्या है? कोई इल्यूजन है, एक्सपीरियंस है आपका, यहाँ तक कि मिरर भी नहीं था। एक है मिरर पर कुछ नहीं है, आप एक मिरर को देख रहे हो लेकिन उस पर कुछ नहीं है, जैसे कि अंधेरे में मिरर को देख रहे हो और आप उस मिरर में देख रहे हो, आपको कुछ नहीं दिख रहा है, मिरर ही नहीं दिख रहा है, इसको भी आप जानते हो। मतलब बॉडी को ट्रांसेंड कर जाते हो गहरी नींद में, इसको बोलते हैं ट्रांसेंड करना। ट्रांसेंड मतलब ये नहीं कि कहीं चले गए, कि वो जो मिरर था उस मिरर में आपका इंटरेस्ट खत्म हो गया,
कभी ध्यान से मिरर के सामने खड़े होकर के देखना, आपको समझ आएगा स्ट्रेस क्या होता है, आपको समझ आएगा प्रॉब्लम्स की सारी जड़ क्या है, दुखों की जड़ क्या है। आपकी जो साइट है, अगर आप उसको एक जगह पर फोकस ना करो, अपनी जो आई साइट है, तो वो कहाँ है? क्या वो हर जगह नहीं है? जैसे कुछ दिखता है तो आई साइट वहां पर जा करके लिमिटेड हो जाती है, एक्चुअल में नहीं होती है, लेकिन एक सेंस ऑफ लिमिटेशन आ जाता है। आपकी आई साइट बस वहीं पर जा करके चिपक जाती है, उसके साथ में जुड़ जाती है, उस ऑब्जेक्ट के साथ में। एक्चुअल में नहीं जुड़ी है, लेकिन एक जुड़ने की फीलिंग आ जाती है। तो अगर आप अपने ध्यान को सब जगह से हटा करके मिरर में देखते रहोगे तो क्या होगा? एफर्ट करना पड़ रहा है ना इसके लिए, ये लोगों को समझ नहीं आता है। इट इज़ एन एफर्ट। व्हाट इज एन एफर्ट? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एन एफर्ट? जिसके लिए कुछ भी करना पड़े, दैट इज एफर्ट। होने के लिए आपको एफर्ट करना पड़ता है क्या? आप हो, उसमें क्या एफर्ट है? बट मिरर में कुछ दिख रहा है, उसको देखने के लिए आपको लगेगा एफर्ट नहीं है, बट एफर्ट होता है, देखना पड़ रहा है। ध्यान बार बार इधर उधर जा रहा है, आप बार बार वहां पर लेकर के आ रहे हो अपने ध्यान को, एक जगह पर लगा रहे हो, कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो। ये कॉन्सेंट्रेट करना ही तो सफरिंग है। ध्यान इसलिए करना था कि आदमी ध्यान करके अपने ध्यान को एक जगह पर रोक सके, जिससे कि इन स्क्रिप्चर्स को पढ़ सके, सुन सके। लोगों ने क्या किया, ध्यान को ही एंड समझ लिया, ध्यान करे चले जा रहे हैं बेवकूफों की तरह। स्क्रिप्चर का दूर दूर तक कहीं कोई नामो निशान नहीं है, कंटेम्पलेशन का दूर दूर तक कहीं कोई नामो निशान नहीं, बस ध्यान कर रहे हैं। क्या कर रहे हो, क्या होगा उस ध्यान से? वही तो सफरिंग है। आपका जो थॉट है वही तो सफरिंग है। और सफरिंग और क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सफरिंग? कुछ है जिसके बारे में आप सोचे चले जा रहे हो, चाहे वो अच्छा है चाहे बुरा है, वही तो स्ट्रेस है। और स्ट्रेस क्या है? तो क्या होता है, हमारा वो ध्यान जो सब जगह है, जो कहीं भी नहीं है और सब जगह है। क्या कहोगे, ध्यान कहाँ है? यहां है, वहां है। कहाँ होता है ध्यान? गहरी नींद में ध्यान कहाँ होता है? होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ध्यान होता है। आप गहरी नींद में हो, कोई एकदम से जोर से बोलेगा तो आप उठ जाओगे। आप होते हो, इसमें कोई डाउट नहीं है, ध्यान होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। वो कहाँ होता है? वो अपने स्वरूप में होता है। आपका जो ध्यान है वो अपने स्वरूप में होता है, यानी कि जो आप एक्चुअल में हो वहां पर होता है। फिर ध्यान कहाँ आ जाता है? कहीं पर भी कुछ दिखा तो क्या हुआ, ध्यान जो सब जगह पर था वो सिमट करके सिर्फ उस एक जगह पर आ गया। अब जो दिखा, या तो वो आपको अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है, दोनों ही केस में ध्यान वहीं पर अटका हुआ है। शीशे पर अगर आपको कुछ अच्छा दिखेगा तब भी ध्यान वहां पर आकर के सिमट जाएगा, अटक जाएगा, क्योंकि अब आपके अंदर उसको पाने की इच्छा होगी, उसको टच करने की इच्छा होगी, उसको एक्सपीरियंस करने की इच्छा होगी, उसको हासिल करने की इच्छा होगी। और अगर पसंद नहीं आएगा तो भी ध्यान वहां पर आकर के अटक जाएगा कि शीशे में से जा क्यों नहीं रहा है। एक शीशा आपके घर में है, उससे तो आप हट सकते हो, जो आपकी ये बॉडी जो शीशा है यहाँ से कैसे हटोगे? आपकी ब्रेन के अंदर कुछ ऐसे थॉट्स चल रहे हैं जो आपको पसंद नहीं है, आपको पसंद नहीं है इसीलिए वो थॉट जिंदा रहेंगे। जब तक आप इंडिफरेंट नहीं हो जाओगे पूरी तरह से उस थॉट के होने से और ना होने से, आपको एक्चुअल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तब तक वो थॉट जाएंगे ही नहीं। बोलते रहो कि मुझे ऐसा नहीं सोचना है, नहीं सोचना है, नहीं सोचना है, बार बार आएंगे। क्या हो रहा है और इसकी जड़ क्या है? क्यों वो थॉट नहीं जा रहा है? क्यों इतनी नफरत आपके अंदर, सपोज किसी आदमी से आपको नफरत है, वो क्यों चिपकी हुई है अंदर, वो जा क्यों नहीं रही है? साल हो जाते हैं, लोगों की जिंदगी निकल जाती है, किसी आदमी ने उनके साथ में कुछ गलत कर दिया, वो नफरत जाती ही नहीं है, अंदर ही अंदर दिमाग में घूमती रहती है। क्या हो रहा है? कभी ना कभी उस आदमी को उन्होंने इंपॉर्टेंस दी है अपनी लाइफ में, जिसकी वजह से आज इतनी नफरत है, यानी कि कभी प्यार किया है इस वजह से नफरत है। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, लव एंड हेट। तो क्या होता है, जैसे दर्पण में दिखने वाले रूप में बाहर और भीतर एकमात्र दर्पण ही होता है और कुछ नहीं होता है, ठीक वैसे ही शरीर के संबंध में भी है। जब आप एक मिरर के सामने खड़े होगे और ध्यान से उस मिरर को देखोगे तो उसमें जो भी आपको फॉर्म दिख रही है, सपोज अपनी इस बॉडी की फॉर्म आपको दिख रही है, इसकी एक रिफ्लेक्शन दिख रही है उस मिरर के अंदर, तो वो जो दिख रही है उसके आसपास में और ऑब्जेक्ट्स भी दिख रहे हैं, हो सकता है आपके साथ में एक और बॉडी है वो भी दिख रही है उस मिरर के अंदर। लेकिन वो जो बॉडी उस मिरर में दिख रही है, उस बॉडी के अंदर क्या है,
मिरर है। उस बॉडी के बाहर क्या है? मिरर है। लग रहा है कि उस बॉडी के बाहर और बॉडीज हैं, स्पेस है, वहां कुछ नहीं है, वहां सिर्फ मिरर है। मिरर के अंदर आपको चीजें भी दिख रही हैं, ऑब्जेक्ट्स भी दिख रहे हैं, लोग भी दिख रहे हैं, स्पेस भी दिख रही है, पूरी की पूरी एक दुनिया दिख रही है। उस मिरर को अगर आप स्टार्स की तरफ कर दोगे तो उसके अंदर चांद तारे दिख रहे हैं, बहुत कुछ दिख रहा है। जिस डायरेक्शन में मोड़ दोगे वहीं पर कुछ दिखने लग जाएगा, पेड़ पौधे दिख रहे हैं। एक्चुअल में उसके अंदर क्या है? उसके अंदर स्पेस है क्या? मिरर के अंदर कोई स्पेस है क्या? नहीं है। मिरर में कहां स्पेस है? मिरर के अंदर जो हमको स्पेस का इल्यूजन हो रहा है, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में स्पेस है, क्या है वहां पर? तो मिरर है। कोई लोग हैं क्या मिरर के अंदर? नहीं, कुछ भी नहीं है। क्या है वहां पर? परछाई है। उस परछाई के अंदर और बाहर क्या है? मिरर है। तो ऐसे ही अगर आप ध्यान से देखोगे तो वो मिरर कहां दिख रहा है, जब अगर मिरर तक आपको समझ में आ गया है, तो ठीक वैसे ही शरीर के संबंध में भी है। यानी कि इस शरीर के अंदर, इसके बाहर और भीतर भी एकमात्र परमात्मा ही है, परमेश्वर ही है। अभी आप लोगों का एक्सपीरियंस है, इसको मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। साउंड ऑफ साइलेंस कहाँ है? क्या इस बॉडी के अंदर और बाहर साउंड ऑफ साइलेंस नहीं है? आपकी इस बॉडी के अंदर क्या है? मिरर के अंदर क्या है? और ये मिरर किसके अंदर है? बस इतना सा समझना होता है। मिरर के अंदर क्या है? आपकी जो बॉडी है जो एक मिरर के जैसे, इसके अंदर क्या है? मेमोरीज हैं, या जो सेंसेस के थ्रू दिखता है वो है? इसके अलावा कुछ और है क्या? और कुछ भी नहीं है। ये दो चीजें हैं मिरर के अंदर, इसके अलावा और कुछ हो ही नहीं सकता। इससे ज्यादा मिरर की कैपेसिटी नहीं है। मिरर की इतनी ही कैपेसिटी है। मिरर क्या कर सकता है? उसके सामने जो है वो दिखा सकता है, या उसमें जो रिकॉर्डेड पड़ा हुआ है वो दिखा सकता है, बस खत्म। आपकी जो बॉडी है उसके अंदर या तो आपके जो पांच सेंसेस हैं उसके थ्रू कुछ होने का आपको पता लगेगा, या जो कभी हुआ था उसकी जो रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है, उस रिकॉर्डिंग से रिलेटेड जो खिचड़ी पड़ी हुई है, कुछ चीजों को आपने मिक्स किया हुआ है, उसके होने का आपको पता लगेगा, बस। और तो कुछ भी नहीं ना। ये मिरर की लिमिटेशन है। मिरर इससे ऊपर कुछ नहीं कर सकता। तो ये सब जो है, जो भी सेंसेस के थ्रू दिख रहा है या जो भी रिकॉर्डेड मेमोरीज पड़ी हुई हैं वो दिख रही हैं, ये सब मिरर से रिलेटेड है। ये मिरर के अंदर है। मिरर किसके अंदर है? क्या ये साउंड ऑफ साइलेंस मेमोरी है? नहीं। क्या ये सेंसेस के थ्रू आप इसको एक्सपीरियंस कर रहे हो? नहीं कर रहे हो। कान बंद करके देख लो, पता लग जाएगा। ये पूरी दुनिया इस मिरर में दिखती है, जो ये बॉडी है, ये बॉडी जो इस दुनिया से अलग नहीं है, सेम मटेरियल की बनी हुई है, लेकिन ये सब किस में एग्जिस्ट कर रहा है? किसी ऐसे में जो पांचों सेंसेस के परे है, जिसका मेमोरी से दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है, जिसको थॉट टच नहीं कर सकता है, जिसका थॉट से कोई कनेक्शन नहीं है। थॉट का होना हमको हमारे होने की वजह से पता लगता है, लेकिन हमको होने के लिए थॉट की जरूरत नहीं है। थॉट को होने के लिए हमारी जरूरत है। मैं नहीं तो थॉट कहां? लेकिन ऐसा नहीं है कि थॉट नहीं तो मैं कहां। इस बॉडी को एग्जिस्ट करने के लिए किसी सब्सटेंस की जरूरत है, किसी ऐसी चीज की जरूरत है जो इसका आधार हो, अधिष्ठान बोलते हैं उसको, उसकी जरूरत है। जैसे एक बर्फ का टुकड़ा, उसको एग्जिस्ट करने के लिए पानी की जरूरत है। तो अब अगर आप दर्पण का एग्जांपल लो तो देखो कितना इंटरेस्टिंग है। एक बर्फ का टुकड़ा है जो समुद्र में तैर रहा है, उसको आप मिरर कह सकते हो। उसमें बहुत कुछ दिख रहा है, बुलबुले दिख रहे हैं, झाग दिख रहे हैं जो समुद्र में होते हैं, लहरें दिख रही हैं, समुद्र दिख रहा है, सब कुछ उसी में दिख रहा है, उस मिरर में। और बर्फ के टुकड़े भी दिख रहे हैं, इनफाइनाइट। कुछ ऐसे टुकड़े भी दिख रहे हैं जिसके अंदर कुछ नहीं दिखता है, जिसको हम लिविंग और नॉन लिविंग बोलते हैं। जो लिविंग बॉडीज हैं, चाहे वो इंसान की हो, जानवरों की हो, चाहे प्लांट्स की हो, उसको आप बर्फ बोल सकते हो। लेकिन समुद्र में झाग भी तो होते हैं, सिर्फ बर्फ थोड़ी होती है। तो झाग में कुछ दिखता है क्या?
बर्फ में तो दिख रहा होता है, बर्फ के सामने अगर आप अपनी शक्ल लेकर के जाओगे तो कुछ परछाई सी दिख रही होगी, झाग में कुछ नहीं दिख रहा होता है, समझ गए? जैसे समुद्र में झाग होते हैं उसमें आपको अपनी अपनी परछाई नहीं दिखेगी, अपनी क्या किसी की परछाई नहीं दिखेगी, अपनी और किसी की, ये भी माइंड की एक इमेजिनेशन है, परछाई नहीं दिखेगी, दैट इज अ राइट वर्ड, कोई परछाई नहीं दिखेगी। तो अब ये जो बर्फ का टुकड़ा है जिसको आप अपनी बॉडी बोल रहे हो, वो किसका बना हुआ है? पानी का बना हुआ है। किसमें एग्जिस्ट कर रहा है? पानी में एग्जिस्ट कर रहा है। जितनी भी फॉर्म्स हैं वो सब किसमें दिख रही हैं? बर्फ के टुकड़े में दिख रही हैं। किसको दिख रही है? पानी को दिख रही है, जो खुद बर्फ नहीं बना है। अगर वो खुद बर्फ बन गया होता तो उसको नहीं दिखता। तो पानी का ही एक एस्पेक्ट है जो बर्फ है, यानी कि आपकी बॉडी, उसी बर्फ के होने की वजह से आप पानी के भी होने को देख सकते हो जिसको दुनिया नहीं देखती है, क्योंकि उसमें किसी का कोई इंटरेस्ट नहीं है, और जो बर्फ के टुकड़े हैं उनको भी देख सकते हो, और बेवकूफों की रेस में शामिल हो सकते हो कि ये जो बर्फ का टुकड़ा है आप हो एक्चुअल में पानी, मतलब समुद्र में जितना पानी है या पूरी दुनिया में जहां भी जितना भी पानी है वो सब आप हो, और अपने आप को क्या समझ लिया? बर्फ। अब क्या चाह रहे हो? इस बर्फ के आसपास में ज्यादा से ज्यादा बर्फ के टुकड़े और ये झाग वाग ये सब चीजें इकट्ठी हो जाए, ये सबने मिटना ही मिटना है, ये दुनिया की कहानी है, इसको कंडीशनिंग बोलते हैं। तो ऐसे ही इसके बाहर भीतर भी एकमात्र परमात्मा परमेश्वर ही है। मतलब कि इस बॉडी के बाहर क्या है? कॉन्शियसनेस। इस बॉडी के अंदर क्या है? कॉन्शियसनेस। इस बॉडी के होने का पता हमको किसके होने की वजह से लगता है? कॉन्शियसनेस के होने की वजह से। इस बॉडी में जब कुछ होता है किसकी वजह से उसके होने का पता लगता है? कॉन्शियसनेस की वजह से। ये कॉन्शियसनेस क्या है? यही तो मैं हूं, यानी कि मैं ना मेमोरी हूं, ना उस मेमोरी की वजह से जो सेंसेशंस ट्रिगर हो रही है वो मैं हूं, ना मैं फीलिंग्स हूं, ना मैं इमोशंस हूं, ना मैं सुख हूं, ना मैं दुख हूं, ना मैं ये बॉडी हूं, तो मैं क्या हूं? मैं कॉन्शियसनेस। अगर आपकी जो ब्रेन है वो एक मिरर के जैसी है, तो इस मिरर के बाहर क्या है और उस मिरर के अंदर क्या है? उस मिरर पे जब भी कुछ होता है तो उसका पता किसको लगता है? मुझे लगता है। उस मिरर के होने का पता किसको लगता है? मुझे लगता है। जब वो मिरर नहीं होता है उसके ना होने का पता किसको लगता है? मुझे लगता है। तो इसका मतलब क्या है कि मैं मिरर में नहीं हूं, मैं मिरर के बाहर हूं। क्योंकि अगर मैं मिरर में होता तो मुझे उस मिरर के ना होने का पता नहीं लग सकता था। आपको यह पता होने के लिए कि वो ऑब्जेक्ट नहीं है, जैसे कि समुद्र में लहर बनी और मिटी, तो उस लहर के बनने के बारे में पता होने के लिए और उसके मिटने को देखने के लिए मेरा होना जरूरी है, जो उस लहर के साथ में ना बने और ना मिटे।